दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया 5वें T20 को जीत का सीरीज अपने नाम करे तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अंतिम और निर्णायक 5वें T20 मुकाबले में गेंद और बल्ले के बीच ऐसा घमासान हुआ जिसने T20 क्रिकेट के 19 सालों के इतिहास को पलट कर रख दिया। तो आखिर कैसे वेस्टइंडीज की घातक गेंदबाजी का सूर्य तिलक के साथ मिलकर भारतीय बल्लेबाजों ने लिया मुंहतोड़ जवाब? ऐसे क्या किया वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने जिसने टीम इंडिया को मुसीबतों में दलदल में फंसा दिया? कौन बना भारत के लिए संकट मोचन? कौन है जीत के सबसे करीब? इस मुकाबले की रोमांचक हाईलाइट की आंखों देखा हाल हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य, तिलक और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, 2-2 से बराबरी पर खड़ी सीरीज का सबसे निर्णायक मोड़ आ चुका था। फ्लोरिडा के मैदान पर एक बार फिर दोनों टीम ने अपना 100% देकर विरोधी टीमों को धूल चटाने के इरादे से मैदान में उतर चुकी थी। इस बार टॉस के बॉस बने भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या और उन्होंने परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जब बल्लेबाजी का फैसला किया, अब हर कोई दंग रह गया था। एक बार फिर अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों का खौफ कैरिबियाई गेंदबाजों के चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता था। आते ही यशस्वी जायसवाल ने वहीं से शुरुआत की जहां से उन्होंने छोड़ा था। उन्होंने पहले ही ओवर में अखिल हुसैन को निशाना बनाया और उनकी महज दूसरी ही गेंद पर इतना खूबसूरत रिवर्स स्वीप लगाया कि हर कोई बस देखते रह गया। चौका बटोरकर यशस्वी ने अभी से अपने तेवर वेस्टइंडीज को दिखा दिए थे। लेकिन दोस्तों, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यशस्वी जायसवाल का ये ओवर कॉन्फिडेंस ही उन्हें ले डूबेगा। एक बार फिर आक्रामक अंदाज दिखाने के प्रयास में यशस्वी 5वीं गेंद में गलती कर बैठते हैं। उन्होंने गेंद को बाउंड्री के बाहर मारने का प्रयास किया, लेकिन वो उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा गेंदबाज हुसैन के हाथों में चली गई और ये खिलाड़ी कॉटन बोल्ड होकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गया। यशस्वी जायसवाल 4 गेंद पर 5 रन बनाकर वापस लौटे और इतिहास को दोहराने का भारतीय बल्लेबाजों को प्लान पहले ओवर में ही फ्लॉप साबित हो गया था। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में अपना जलवा बिखेरने उतर चुके थे T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। अब पूरी तरह से टीम इंडिया दबाव में नजर आ रही थी। जहां सभी ने सोचा था कि भारतीय टीम तो इस आखिरी T20 में वेस्टइंडीज की धज्जियां उड़ाकर रख देगी, वहां वेस्टइंडीज ने पलटवार ने भारतीय टीम को मुसीबतों के दलदल में फंसा दिया था। जहां टीम इंडिया पहले 2 ओवरों में केवल 10 रन बना पाई थी, अखिल हुसैन की फिरकी भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही थी। लेकिन बढ़ते दबाव के बीच शुभमन गिल ने काउंटर अटैक करने का मन बनाया। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद को उन्होंने अपने पुल शॉट से मिड विकेट के क्षेत्र में खतरनाक चौका बटोरकर गेंदबाजों को धोना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी यह रणनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई। 5वीं गेंद पर अखिल हुसैन ने अपना जादू दिखाते हुए शुभमन गिल को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनकी गेंद गिल के बल्ले को बीट करते हुए सीधा उनके पैड पर जाकर लगी और ये खिलाड़ी LBW होकर पवेलियन लौटने पर मजबूर हो गया। जहां अखिल हुसैन ने लगातार 2 ओवरों में टीम इंडिया के दोनों ओपनर्स को वापस भेजकर भारतीय टीम की कमर तोड़ दी थी। शुभमन गिल 9 गेंदों पर एक चौके की बदौलत 9 रन बनाकर वापस लौटे। भारतीय खेमे में तो हैरान और परेशानी नजर आ रही थी, क्योंकि अब तक तो वेस्टइंडीज ने पूरी तरह से मुकाबले में शिकंजा कसा हुआ था। पहले 3 ओवरों में भारतीय टीम केवल 17 रन जोड़ पाई थी, तो वहीं हमारे दोनों बल्लेबाज देर कर चुके थे। ये बेहद ही खराब शुरुआत थी जिससे टीम इंडिया को उबरने की जिम्मेदारी अब सूर्य कुमार यादव के साथ तिलक वर्मा के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी। और इसकी शुरुआत हुई 4थे ओवर से, जब गेंदबाजी करने जैसन होल्डर आए। पहले 2 गेंदों पर उन्होंने एक के बाद एक वाइड फेंक दी, तो फिर ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्या ने भी इस खिलाड़ी को आड़े हाथों लिया। मैदान को चीरते हुए कवर के क्षेत्र में खतरनाक चौका चढ़कर उन्होंने वापसी का शंखनाद करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद पहले 5 गेंद पर केवल 6 रन बने थे। भारतीय बल्लेबाज दबाव में नजर आ रहे थे, टीम इंडिया पूरी तरह से फंसी हुई थी। सूर्य रन बनाने के लिए तड़प रहे थे। चौका खाने के बाद जैसन होल्डर ने एक के बाद एक 3 लगातार डॉट गेंदें खेलकर सूर्या की बोलती बंद कर दी और 4 ओवरों में भारतीय टीम का स्कोर महज 24 रनों तक पहुंच पाया था, जो कि T20 के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं था। साफ तौर पर वेस्टइंडीज का दबदबा इस मैच पर नजर आ रहा था। T20 में टेस्ट मैच की रफ्तार से टीम इंडिया आगे बढ़ रही थी। भारतीय फैंस की उम्मीद पर पानी फिर चुका था। हर तरफ केवल निराशा नजर आ रही थी। लेकिन बढ़ते दबाव के बीच सूर्य का बल्ला गरजा 5वां ओवर लेकर आया। अखिल हुसैन की आखिरी गेंद को सूर्य ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से इतनी दूर छक्के के लिए मारा कि पूरी स्टेडियम दंग रह गया। उनके इस गगनचुंबी छक्के ने हर तरफ जोश में एक नई लहर दौड़ा दी थी। यह सूर्य का ऐलान था कि वो इतनी आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें अपना रंग बदलते देखा तिलक वर्मा ने भी अपना अंदाज बदलने की ठानी। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर से वेस्टइंडीज के सबसे खौफनाक गेंदबाज अल्जरी जोसेफ, जिनकी दूसरी गेंद को तिलक वर्मा ने मिड विकेट के क्षेत्र में चौके के लिए जड़ दिया। बस फिर क्या था, शेर के मुंह में खून लग चुका था। आई एम गोइंग पास जब अल्जरी जोसेफ ने उन्हें पैरों पर गेंद डालने की गलती करी, अपने घुटने जमीन में टेक दिए। तिलक वर्मा ने उसे गेंद को फील्डर के ऊपर से खौफनाक छक्के के लिए मारकर गेंदबाज तो क्या कैरिबियाई खेमे में उथल पुथल मचा दी। तो फिर अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से एक और चौका जड़ा जिस पर कोई भी भरोसा नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, 5वीं गेंद पर भी एक चौका बटोर कर तिलक वर्मा ने इस ओवर में कुल 19 रन जड़े और 6 ओवरों के पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने टीम इंडिया को 51 रनों
रनों तक पहुंचा दिया, जहां से अब दबाव में वेस्टइंडीज नजर आ रही थी। और ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय टीम आसानी से 180 रन बनाकर मुकाबले में पकड़ बना सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार और तिलक में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।